स्वागत है दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों आज मार्केट फर्स्ट में बात हो रही है एनर्जी सेक्टर की। अगर ऊर्जा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये आज के समय की हमारी ऐसी जरूरत बन चुकी है जो अगर ना हो तो कहीं ना कहीं जीवन पूरा तरह से अंधकारमय हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ में ये ऊर्जा आपके लिए लापरवाही का करंट का झटका भी साबित ना हो, इसलिए आज हम आपके लिए बीच लेकर के आए हैं कुछ ऐसे मेहमानों को, ऐसे एक्सपर्ट पैनल को जो आपके बीच आपसे जुड़ी हुई बातों पर चर्चा कर रहे हैं और ये जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर किस तरह से आपके लिए किफायतमंद, फायदेमंद और सुरक्षित साबित हो सकता है। दोस्तों आपको एक आंकड़े पर अगर हम नजर डालें तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर राजस्थान जो है वो सबसे बड़े सोलर हब के रूप में विकसित हो चुका है। 10,000 एकड़ से ज्यादा की जो जमीन है वो जोधपुर के अंदर जो है, जोधपुर संभाग के अंदर वहां पर सोलर एनर्जी सेक्टर पर काम चल रहा है। और जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं लगातार 2018 के अंदर जो सोलर के हब का जो सपना है दुनिया का वो राजस्थान पूरा करेगा 2018 में, और फिलहाल ये काम जो है वो निर्माणाधीन स्थिति में काफी रफ्तार के साथ चल रहा है। दोस्तों सौर ऊर्जा पर ही हम बात करें लेकिन उससे पहले नेचुरल पावर सिस्टम किस तरह के उत्पाद राजस्थान में सोलर ऊर्जा को लेकर के बेचता है, क्या कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं नेचुरल पावर सिस्टम के कार्यालय पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास जहांगीर है, मैं नेचुरल पावर सिस्टम में काम करता हूँ। मैं आज आपको हमारी कंपनी नेचुरल पावर सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नेचुरल पावर सिस्टम सोलर एनर्जी पे काम करती है। नेचुरल पावर सिस्टम पिछले 25 सालों से इन्वर्टर लाइन में काम कर रही है। नेचुरल पावर सिस्टम ने अपना पहला काम 1985 में स्टार्ट किया था। 1985 से लेकर 2008 तक नेचुरल पावर सिस्टम ने इन्वर्टर लाइन और करंटली इन्वर्टर लाइन में ही काम कर रही है। 2008 के अंदर नेचुरल पावर सिस्टम ने अपना काम सोलर में भी बढ़ाया। नेचुरल पावर सिस्टम एक ऐसी कंपनी है जो नेचुरल जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं सब चीज़ों को हम अपनी रियल लाइफ के अंदर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यूज करने के पर्पज़ से जो चीज़ें केवल वेस्टेज हो रही थी एज ए नेचुरली, उन सब चीज़ों को यूटिलाइज करने के पर्पज़ से नेचुरल पावर सिस्टम ने 2008 के अंदर अपना काम सोलर एनर्जी के अंदर स्टार्ट किया। आजकल हर प्रकार की रेंज सोलर बेस्ड हो गई है। सोलर बेस्ड रेंज के देखते हुए नेचुरल पावर सिस्टम ने भी काफ़ी चीज़ें डेवलप की है इनके अंदर। आज के हिसाब को देखते हुए, आज के करंट वर्ल्ड को देखते हुए नेचुरल पावर सिस्टम के कुछ सोलर फैन आए हैं, सोलर कूलर आए हैं, सोलर लालटेन आई है, सोलर और भी सोलर की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर आई है, जो नेचुरल पावर सिस्टम के इन्वेंशन, इनके कार्यरत प्रयास और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए ये पॉसिबल हुआ है। आज के सिस्टम को देखते हुए, आज की ज़रूरतों को देखते हुए, हर किसी की ज़रूरत को देखते हुए आजकल गाँव में जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पा रही है, इन सब चीज़ों को देखते हुए नेचुरल पावर सिस्टम के कुछ इन्वेंशन, कुछ पर्टिकुलराइजेशन के हिसाब से कुछ कंपनीज ने जब टाइप किया नेचुरल पावर सिस्टम के साथ तो कुछ कंपनीज ने आजकल फ्रिज भी स्टार्ट कर दिए, इट मीन सोलर फ्रिज। आजकल गाँव में जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे एसी यूटिलाइज, जो अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्सेज है, वो फ्रिज जहाँ पे हम काम में नहीं ले सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आजकल पर्टिकुलर सोलर बेस्ड फ्रिज भी आ गए हैं। एक ऐसा फ्रिज जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पर्टिकुलर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा फ्रिज जिसको आप रख सकते हो, सनलाइट जहाँ पे पहुँच रही है उसी, एक सोलर प्लेट, एक फिक्स बैटरी बैकअप के साथ में आप उसे काम में ले सकते हो। नेचुरल पावर सिस्टम ने देखा कि लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो अपने किसी कोई बोतल हो उसको कोल्ड नहीं रख पाते, इसी को देखते हुए आजकल नेचुरल पावर सिस्टम की ने जब किसी कंपनी के साथ काम किया तो छोटे स्मॉल फ्रिजेस भी आने लगे, छोटे स्मॉल फ्रिजेस 2 लीटर, 4 लीटर, इन सब के। इससे आप कहीं ट्रेवल करते हो, कहीं जाते हो तो कोई भी चीज़ है उसके अंदर रख सकते हो। नेचुरल पावर सिस्टम का एक मेन एम यह है कि जो अंधकार में ज़िंदगी है उसको प्रकाश में बनाना है, मींस अंधकार में ज़िंदगी को सौर ऊर्जा से हमें रोशन करना है। नेचुरल पावर सिस्टम आज की ज़रूरतों को देखते हुए RSEB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और MNRE के तहत काफ़ी सारे नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं। इनके अंदर एक अच्छा प्रोग्राम यह आया है नेट मीटरिंग का, जिसके अंदर आप यदि अपने घर पे कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो ऑन ग्रिड के तहत यदि आपका चलता है तो उसके अंदर जितना सिस्टम, जितना यूनिट आपको यूटिलाइज करना है उतना आप यूटिलाइज कर लो, बाकी का यूनिट आप गवर्नमेंट को भी सेल कर सकते हो। इसी के अंदर नेचुरल पावर सिस्टम भी अभी काम कर रहा है। नेचुरल पावर सिस्टम ने नेट मीटरिंग के तहत नेट मीटरिंग के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए हैं। जयपुर में भी कुछ होटल्स में लगाए,
लगाए हैं। नेचुरल पावर सिस्टम नेट मीटरिंग के साथ साथ ऑफ ग्रिड पे भी काम कर रहा है। इन सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी नेचुरल पावर सिस्टम की यहाँ पे अवेलेबल है। यदि आप सबको, आप में से किसी को भी यदि इस प्रकार की कोई भी चीज चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। यदि आपको कोई भी सौर ऊर्जा से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है तो आप हमारे ऑफिस पे आके इससे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सॉल्यूशन बेस्ड सारा तरीका निकालने की कोशिश करेंगे। नेचुरल पावर सिस्टम एक पर्टिकुलर विजन पे काम कर रहा है। सौर ऊर्जा है जहां, घर रोशन है वहां। धन्यवाद। तो दोस्तों, सौर ऊर्जा से घर रोशन करने की बात कह रहा है नेचर पावर, यानी नेचर का वो पावर जो आपके लिए और हमारे लिए अब तक ये ऐसा होता था कि जिसे हम उपयोग में नहीं लेते थे, लेकिन अब सौर ऊर्जा के माध्यम से ये ऊर्जा हमारे घरों को और हमारे भवनों को रोशन कर रही है। आहूजा जी, आप ही का रुख करना चाहूँगा। आप ही के संस्थान की बात हो रही है, एनर्जी सेक्टर पर बात कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह की परेशानी आपको आज भी आती है और क्या मदद की, किस तरह की मदद की आस आप सरकार से रखते हैं? समस्याएं तो क्या तक, जब तक कस्टमर के यहाँ जब तक हम नहीं लगाते, जब तक वो चल नहीं जाता तब तक वो आप ये समझ लो कि समस्याएं में रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हर कस्टमर ये चाहता है कि हमें सब्सिडी पहले मिले या सुविधाएं जो है हमें पहले मिले, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो जब तक पूरा सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक तो आप समझो कि हमारे पास पूरी जो है टीम जो है उसके ऊपर पूरी फोकस रहती है कि भाई कस्टमर को जितना हो सकता है कि हम संतुष्ट करें। जब लग जाता है, जब उसको रिटर्न मिल लगता है, तब वो अपने आप को जो है बिल्कुल संतुष्ट एहसास करता है, महसूस करता है वो। बिल्कुल अमित सक्सेना जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। आपका प्रोडक्ट बाजार के लिए एकदम नया प्रोडक्ट है, कस्टमर की नज़र से अगर बात करें या जो आज व्यूअर हमसे कनेक्ट हुए उनके लिए बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। सरकार से आप क्या मदद की आस रखते हैं कि सरकार आपकी किस तरह से मदद करे? देखिए, मेरा छोटा सा निवेदन है और वो नोवेलो इनोवेशन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और पुंटो कॉरपोरेशन का ज्वाइंटली एक निवेदन है सरकार से कि जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उस तरीके से एक सुरक्षित भारत अभियान जिसमें आग, पानी, बिजली सबसे एक सुरक्षित कैसे हो हिंदुस्तान। जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें ये डेथ जो हो रही है एक्सीडेंट से हो रही है, चाहे आग से हो रही है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट की आग है, चाहे करंट से, ये भी जीरो हो सकती है अगर हम इसको अभियान के रूप में लेकर चले। तो सरकार से छोटा सा निवेदन है कि जिस तरह से आपने स्वच्छ भारत अभियान को हाथ में लिया है, वैसे एक सुरक्षित भारत अभियान लें जिसमें हमारा भी एक छोटा सा योगदान भारत को सुरक्षित बनाने में हो सकता है। बिल्कुल। धर्मराज बोथरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से आप आम लोगों को, आम जनता को किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे कि वो अपने भवन को, अपने घर को और अपने व्यवसायिक संस्थान को शॉक फ्री बनाएं? जितनी भी दुर्घटनाएं होती है बिजली से, उनसे बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, और हर इसका पता तभी चलता है जब किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति उस दुर्घटना की तरफ ना बढ़े और पुंटो को इंस्टॉल कराए अपने घरों में। जैसी भी ज़रूरत होती है उनको, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, नोवेलो इनोवेशन मार्केटिंग से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग कुछ बैंक से भी बात कर रहे हैं जो कंज्यूमर लोन इस पे फाइनेंस कर दे। इनफैक्ट एक दो बैंकों ने तो कह भी दिया है कि भाई हमारे साथ आप हो जाओ, तो नेक्स्ट 1 or 2 month में वो फाइनेंस फैसिलिटी भी इस प्रोडक्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, पुंटो प्रोडक्ट के, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट से जुड़ी भी किसी भी तरह की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इनके जो संबंधित जो डीलर्स हैं राजस्थान के और तमाम उन राज्यों के, उनके नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं स्क्रॉल के माध्यम से। आप उन पर कॉल करके इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। आहूजा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, लोगों को किस तरह से जागरूक करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं और आगे क्या कुछ कोशिश करेंगे आप? हमारा तो लोगों को जागरूक करने का डोर टू डोर है, जिनके यहाँ कस्टमर लगाते हैं, जो संतुष्ट हो जाते हैं उन्हीं के माध्यम से हमारे पास और कस्टमर आते हैं, एक बात। और दूसरा, जो सरकार की तरफ से जो इसमें सुविधाएं देती हैं, जैसे डेप्रिकेशन का छूट है, उसके अलावा इनकम टैक्स में छूट है, अब तो भारत सरकार ने इसको हाउसिंग लोन के स्कीम के तहत मर्ज कर दिया गया है। अगर आप पावर प्लांट या कोई यूनिट लगाते हैं सोलर एनर्जी, तो इसको आप हाउसिंग लोन में मर्ज करके, जैसे हाउसिंग लोन की किस्तों में छूट मिलती है इनकम टैक्स के अंदर, इंटरेस्ट में भी और किस्तों की, इसी तरह सोलर एनर्जी लगाने में सरकार ने, भारत सरकार ने इसको उसी तरह छूट देना चालू कर दिया है। तो हम तो ये जितना कोशिश हो सकता है कि कस्टमर को डायरेक्टली यही समझाते हैं कि हमारी सरकार तो ये तो सब्सिडी दे रही है, ये आपको इनकम टैक्स में छूट है, इसमें आपको डेप्रिसिएशन की छूट है, इसके अंदर आपको हाउसिंग, अगर आप लोन लेते हैं बैंक से तो इसमें भी आपको छूट है। तो हमारा तो सरकार से अब ये निवेदन है, जिस तरह सरकार सिलेंडर पे फिक्स यूनिट पर एक सब्सिडी फिक्स किया है, तो सर पर किलोवाट पे
चाहे वो कितने का लगाए, कितने उससे कोई लेट, अगर कोई कस्टमर लगाता है चाहे सोलर वाटर हीटर हो या सोलर लाइट यूनिट सिस्टम हो, उस पर सरकार डायरेक्ट उसके खाते में ही सब्सिडी डाल दे, यूनिट उसके बिलिंग पेश कर दें, उसका टाइम और पीरियड ऑफ फिक्स कर दें कि भाई अगर आप इतने साल तक अगर आप यूनिट लगाए रखते हैं सोलर एनर्जी, सरकार की सेविंग जो इलेक्ट्रिक से बच जाती है तो वो आप सब्सिडी पर यूनिट के हिसाब से उनके डायरेक्ट खाते में डाल दें। जो चैनल सिस्टम उन्होंने बना रखा है भाई, आप MNRE के थ्रू, RRSE के थ्रू, बैंक के थ्रू, मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ा झंझट है, उसमें डीलर्स को भी, मैन्युफैक्चरर को भी, प्लस कस्टमर को भी, तीनों को जो है बड़ा नुकसान होता है समय का। तो जिस तरह सिलेंडर में किया हुआ है भाई, डायरेक्ट आप लें, पैसा पे करें, सब्सिडी आपके बैंक में जमा हो जाता है। इस तरह पर किलोवाट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से अगर सरकार सब्सिडी देना चालू कर दे तो मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान सोलर एनर्जी में इतना ग्रोथ कर जाएगा कि जिसका आप अंदाजा ले सकते हो। जहाँ गांव गांव में लाइट नहीं जा सकती, वो पूरा क्षेत्र जो है वो अंधकार में ना रह के प्रकाश में हो जाएगा। जो नरेंद्र मोदी का जो मिशन है हर घर में प्रकाश, तो वो एक अपने आप में जो है वो कामयाब हो जाएगा। और जो उनका जो मिशन है स्वस्थ भारत का, हमको स्वस्थ भारत के साथ साथ स्वस्थ प्रकाश में भारत हो, स्वस्थ भारत के साथ साथ प्रकाश में भारत हो और अंधकार में ज़िंदगी को जीने वाले लोगों को प्रकाश में ज़िंदगी जिवाएं, यही मेरा आपसे लोगों का निवेदन है। बिल्कुल दोस्तों, तो आपने देखा और जानने की कोशिश की कि किस तरह से प्रकाश में भारत की भी यहां पर डिमांड उठी है और सुरक्षित भारत जो अभियान है उसकी भी यहां पर डिमांड उठी है। उम्मीद है सरकार जो है हमारे एक्सपर्ट पैनल से जुड़े हुए विचारों से संतुष्ट होगी और कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए, आम जनता के हितों में ऐसे फैसले भी लेगी। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर से जुड़े आज के हमारे खास शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों, और अगर आप मार्केट फर्स्ट से जुड़े आज के शो को, अन्य शोज को देखना चाहते हैं और हर वक्त खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज का हमारा शो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसका रहेगा हमें इंतजार। और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया राजस्थान। नमस्कार।